नमस्कार डॉक्टर दीपक केलकर एक्सक्लूसिव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दीपक केलकर, वैसे तो इनका नाम ही काफ़ी है, कई सालों से अपनी सेवा दे रहे हो, चाहे वो सेक्स रोग विशेषज्ञ हो, हिप्नोटिज्म के संदर्भ में हो, किसी भी प्रकार के व्यसन के बारे में हो, डॉक्टर साहब का नाम ही इस क्षेत्र में काफ़ी है। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे जो दो एपिसोड हुए हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ बातें ली है, खास करके सेक्स रोग हो गया या फिर हिप्नोटिज्म हो गया या शराब के जैसे व्यसन को लेकर हो गए। इसका ये जो हमारा एपिसोड है इसमें भी हम मिले जुले ही टॉपिक्स लेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको समझने में आसानी हो। डॉक्टर साहब, जैसे अगर आप एक सेक्स रोग विशेषज्ञ हैं तो इसमें एक हस्तमैथुन जो आता है इसका क्या अर्थ होता है? हाँ जी, अच्छा सवाल किया आपने। जी हस्तमैथुन, इसका अर्थ यह होता है कि हाथ से किया हुआ मैथुन, जी वो हस्तमैथुन। जी यानी समागम जो है वो, या मैथुन जो है जी वो स्त्री और पुरुष जब जी एक साथ आते हैं तो समागम होता है या मैथुन होता है। जी बिल्कुल मगर शादी के पहले जब जी लड़का उम्र में आता है, जी जी मतलब उसका सेक्स डेवलप हो जी जाता जी है, तो उसको काफ़ी इच्छा होती रहती है जी सेक्स करने की। उस समय क्या होता है कि शिश्न में कड़कपन आ जाता है जी और उसको काफी इच्छा होती है कि सेक्स किया जाए, जी तो वह हाथ से शिश्न को घर्षण करता है जी और उसको उसमें मैथुन जैसा, मतलब सेक्स जैसा उसमें उसको आनंद आनंद आता आता है है। जी और वो आनंद आते आते फिर उसका पतन हो जाता है, जी मतलब जो सीमेन होता है, धातु जो जी होता जी है, जी वो धातु का पतन हो जाता है। जी और धातु का पतन होने के बाद में वो रिलैक्स हो जाता है जी और उसमें उसको अच्छा लगता है। जी तो वो हस्तमैथुन, ये हाथ से किया हुआ एक सेक्स है, जी जी मतलब जिसने खुद ने खुद के साथ में सेक्स किया है, समझ के चलो। जी जी तो डॉक्टर साहब, हस्तमैथुन जैसे आपने कहा कि एकांकी होता है, इसमें अगर दो अगर नहीं रहते हस्तमैथुन अकेले ही करना पड़ता है तो इसके शारीरिक नुकसान हो सकते हैं क्या कुछ? नहीं, इसमें कुछ भी शारीरिक नुकसान नहीं जी है, ये सब गलत फहमियां लोगों में फैलाई गई है। जी जी ये एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, जी मतलब इसमें कुछ भी ऐसा खराब नहीं है कि भाई वीर्य गमा दिया तो कुछ नुकसान होगा, जी जी हाथ से किया तो शिश्न जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा, जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बीमारी नहीं जी है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जी और जी ये मैं तो बोलता हूँ कि करना अच्छा है, जी करना अच्छा है इसलिए कि उसमें सेक्स जैसा उसको आनंद आता है जी और फिर उसको शादी के पहले जी कहीं बाहर जाने का मन नहीं होगा, जी बिल्कुल उसको यदि शांति मिलती है सेक्स में, उसको समाधान मिलता है वो जी करने में, जी तो उसका मन होगा नहीं कि बाहर जाना और कुछ सेक्स करना करके। तो जी जी एक्चुअली उससे जो जी मतलब बाकी जो समस्या आ सकती है बाहर जाने से, जी जी या बाहर के औरत के साथ में, मतलब बाहरी औरत जी के साथ में कोई जी सेक्स करने से, तो वो सब समस्या टल सकती है। जी इसलिए हस्तमैथुन कोई गलत नहीं है, एकदम नॉर्मल है, और हर व्यक्ति ने वो जी किया तभी कुछ उसमें खराबी नहीं है, खराब और लोग नहीं करते रहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बचपन से ऐसा बताया जाता है या हम जो धार्मिक किताबें हैं उसमें पढ़ते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नाश यानी मृत्यु, तो ये शब्दों में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच नहीं है। जी ये क्या है कि हमारे किताबों में, आयुर्वेदा में जी ऐसा काफी सारा लिखा हुआ है जी कि वीर्य जो है जी वो अपने पास में रखना चाहिए, अपने जी बॉडी में रखना चाहिए, उसका पात वीर्य पात नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल मतलब ऐसा बोला गया है कि भाई एक वीर्य का बूंद जो है जी वो 80 खून, 80 खून के इतनी बूंद के बराबरी के होता है। जी तो जब एक बूंद आप वीर्य का नाश करते हो जी तो 80 बूंद खून के चले जाते हैं, जी बिल्कुल ऐसा एक लिखा हुआ है। तो यह जी बिल्कुल सरासर गलत है। जी वीर्य जो है वो रोज तैयार होता है जी और सेक्स के विचार आने से तो जल्दी तैयार हो जाता है, और वो तैयार हुआ वीर्य जो है वो उसको तो बाहर आने का ही है, जी बिल्कुल बाहर आना चाहिए उसने, जी जी बाहर नहीं आएंगे तो अंदर उसका होगा क्या? जी जी जो थैली रहती है वीर्य जमा होने की, जी जी वो थैली में वो जमा होता है जी और वो रोज ही तैयार होता है। जैसा पेशाब रोज हम करते हैं जी बिल्कुल और पेशाब नहीं गया तो क्या होगा? जी पेशाब समझो हम नहीं जाते जी तो थैली और भर जाएगी भर जाएगी जी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो बह जाएंगी। भाई जाएगी जी बिल्कुल वैसा वीर्य का है जी कि वीर्य की थैली भर जाती है जी उम्र में आने के बाद में, जी और थैली भरने के बाद में यदि हाथ से नहीं निकाला जी तो वैसे ही बह जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें स्वप्न दोष का भी एक प्रकार आता है हाँ, तो स्वप्न दोष भी आता है जी कि भाई सपने में गया हुआ वीर्य जो है जी जी तो उसको बोलते हैं स्वप्न। एक्चुअली वो दोष नहीं है, जी
मगर उसको नाम दिया है दोष, दोष जी, स्वप्न दोष, हाँ स्वप्न दोष ऐसा नाम दिया है जी। तो नॉक्चर्नल एमिशन उसको बोलते हैं, मतलब सपने में कोई ऐसे सेक्स के सपने पड़ते हैं जी, और उसमें ऐसा लगता है कि भाई वो कोई लड़की के साथ में है जी, कोई औरत के साथ में है, और उसका फिर वीर्यपात उसमें हो जाता है जी, क्योंकि अंदर थैली भरी रहती है जी, उम्र में आया हुआ है सेक्स, उसको पूरा अंदर से आया हुआ है जी, हॉर्मोन्स जो है वो तैयार हुए जी, तैयार हो। तो उसमें फिर सपने में भी धातुपात हो जाता है जी, और वो एकदम सरासर वो भी नॉर्मल है, उसमें कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब आपने हस्तमैथुन बताया कि पुरुष करते हैं ज्यादातर, तो करते ही है या, तो इसमें क्या स्त्री भी हस्तमैथुन करती है इसमें? हाँ स्त्री भी हस्तमैथुन करती है, जी स्त्री को योनि लिंग रहता है, जी जैसा पुरुष का लिंग रहता है वैसा जी स्त्री को भी योनि लिंग रहता है, एकदम छोटा रहता है, जी जी एक दाने जैसा रहता है। जी जी और स्त्री को भी समाधान यदि सेक्स का होना है जी और कोई कारण से मतलब उसको समाधान मिलता नहीं है, जी तो शादी होने के बाद में भी शादी होने के पहले भी जी वो खुद का समाधान शादी होने के पहले कर सकती है हस्तमैथुन करने से। जी जी और काफी सारी स्त्रियां जी जो है वो हस्तमैथुन करती है खुद, जी और खुद ने खुद से उसको एक्साइटमेंट लाके जी उसको भी उसमें शांति समाधान मिलता है, जी तो वो भी कोई गलत नहीं है स्त्री ने हस्तमैथुन जी करना, और वो भी करते रहते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हस्तमैथुन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये अगर किसी को आदत हो गई तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ तो क्या है कि हस्तमैथुन जो है कि वो कोई दवा होती है क्या पर्टिकुलर? हाँ एक्चुअली क्या है कि ये आदत मतलब ऐसा है कि आदत कब बोलेंगे इसको, जी आदत तब बोलेंगे कि भाई उसमें वो पूरा दिन भर में वो हस्तमैथुन ही करते जा रहा, समझो जी जी कोई खासा लड़का है जी जी और वो दिन भर में हस्तमैथुन किए जा रहा जी जी है ना, मतलब उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी जी जी वो हस्तमैथुन ही करते जा रहा है, जी तो फिर उसमें वो घातक हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर रहा है जी जी और फिर उसमें लिंग में छाले आ सकते हैं, जी क्योंकि समझो घर्षण ऐसा बार बार ऐसा करता है वो, जी तो लिंग में छाले आ छाले सकते आ हैं सकते बहुत जी ज्यादा करके, जी जी तो फिर उसको वो मतलब उसको हैबिट हो गई, कोई जी दिन में 2 बार 4 बार 6 बार मतलब ऐसा करते रहा जी उसमें बिल्कुल गुता हुआ है। जी जी दूसरा और एक ये है कि हैबिट कब उसको बोल सकते हैं कि शादी हुई है जी और शादी होने के बाद में भी फिर हस्तमैथुन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी बिल्कुल शादी होने के बाद में तो वो समागम करता है मैथुन करता है जी जी अपने पत्नी के साथ में, जी उसके बाद बावजूद भी मतलब पत्नी घर में है और उसके बावजूद भी समझो वो हस्तमैथुन कर रहा है जी और वो उसके पत्नी के साथ में सेक्स नहीं कर रहा है, जी जी तो फिर उसको बोलते कि नहीं कुछ तो भी उसमें जी गड़बड़ है, जी एबनॉर्मल है और उसका इलाज करना जरूरी है। जरूरी जी वैसे और ऐसा है कि समझो उसकी पत्नी बाहर गांव गई है जी काफी दिन से मतलब अकेला है, तो भी लोग शादी के बाद में हस्तमैथुन करते हैं जी और वो भी नॉर्मल है क्योंकि जी पत्नी घर में नहीं है तो हाथ से जी करना जी क्या प्रॉब्लम है उसमें, जी जी या पत्नी प्रेग्नेंट है जी ना, प्रेगनेंसी है उसको जी जी और प्रेगनेंसी है तो फिर आखिरी आखिरी महीनों में जी फिर सेक्स होता नहीं है जी तो बिल्कुल उसमें भी वो कभी करता है, जी या पत्नी बीमार है जिसमें सेक्स अलाउड नहीं है जी बिल्कुल उसमें भी उसकी इच्छा होती है, जी तो ऐसा शादी के बाद में भी नॉर्मल है, मगर जी जब पत्नी घर में है जी जी और पत्नी सेक्स करने के लिए तैयार है जी जी और तभी भी कोई हस्तमैथुन कर रहा है जी तो फिर वो एबनॉर्मल हो सकता है। जी अभी आपने पूछा उसके लिए दवाई का है, तो जी उसमें कोई दवाई नहीं है ऐसा जी देखा जाए तो, जी हम क्या करते हैं कि उसको पूरा समझ लेते हैं, उसके साथ में बातचीत करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, जी और ऐसे बहुत कम लोग आते हैं कि भाई उसकी हैबिट लग गई, ऐसे बहुत ही जी कम आते हैं, जी यूजुअली लोग क्या होता है कि 1-2 बार दिन में करते जी हैं या हफ्ते में 2-3 बार 4 बार जी करते हैं, और मगर उससे होता क्या है कि उससे उनको लगता है कि नहीं अपने को शारीरिक कमजोरी आ गई, जी 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 उनका मैं वही वीर्य जा पूछने रहा है। वाला था हाँ कि अत्यधिक जो हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी हो सकती है, क्योंकि कोई नहीं पहले ऐसी समझ थी कि गाल फोड़ अगर बैठ गए किसी के, अगर हाँ दुबला अंदर जा रहे हैं, बराबर आंखें अगर काली हो गई, अंदर जैसे धसी भी दिखाई दे रही, तो एक कुछ तो भी है, उसको भी तो सामने बीमार वाले है को भी एक मानसिकता हो जाती थी कि यार मैं ये कर रहा हूँ करके मैं कमजोर हो जा रहा हूँ, तो कमजोर है, इसमें शारीरिक कमजोरी आती है कैसे? नहीं बिल्कुल ही नहीं है, मैं बोला है नॉर्मल है। जी तो होता क्या है कि वो ये करने के बाद में जी जी उसको ऐसा बचपन से ऐसा एक संस्कार है हमारे कल्चर जी में ऐसा है कि हस्तमैथुन करना गलत है, जी आयुर्वेदा में बोला हुआ है कि हस्तमैथुन करना गलत है, जी अपने कुछ संत है मैं नाम लूंगा नहीं, जी उन्हें भी ऐसा बोला हुआ है कि जी हस्तमैथुन नहीं करना, ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन करना चाहिए घर जी के, और वो सेक्स जो है वो मतलब वीर्य जो है बहुमूल्य चीज है जी वो संभाल के रखना है। समाप्त जी अब जब इसका पकड़ा दिमाग के ऊपर है जी तो होता क्या है कि उससे फिर परेशानी दिमाग में एक अपराधीपन की भावना आती है कि मैंने जी कुछ तो भी गलती किया, जी मैंने कुछ तो भी अपराध किया, जी और उसको अपना मन अंदर अंदर खाते रहता है जी कि मैंने कुछ तो भी गलती किया है, गलती किया अपराध किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने, ये किया हो गलत किया, फिर वो कुछ लोगों को पूछता है जी कि मैंने ऐसा किया, फिर वो भी उसको और नमक मिर्च डालते हैं जी जी यार तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा तूने नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, जी फिर उसको कहता है कि अपनी राह तो नहीं जा रहा, जी इच्छा तो हो रही,
उसमें आनंद तो मिल रहा है और वो करते जा रहा है और उसको मतलब मन अंदर ही अंदर खाते जा रहा है उसको। फिर होता क्या है कि उसमें फिर पीठ में दर्द, सिर में दर्द, फिर भूख नहीं लगना, ये ऐसा शुरू हो जाता है। अब समझो उसने भूख नहीं लगना और खाना कम कर दिया तो उसका वजन कम होना है जी बिल्कुल, उसके गाल बैठना है। फिर बोलता है देखो मेरा वीर्यपात जो हो रहा है उसके कारण अभी मेरे को कमजोरी आ रही है। एक्चुअली कमजोरी कहाँ से आ रही है? एक तो दिमाग के टेंशन की वजह से, दिमाग में टेंशन है कि अपन हस्तमैथुन कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल बुरा है और तभी भी करते जा रहे। तो उससे एक तो अपराधीपन की भावना आती है, गिल्टी, दोषी, खुद को ठहराना और वहां से एक उसको डाउन हो जाना। और दूसरा फिर मैं बीमार हूं, बहुत धातु जा रहा है, मैंने कितना खून मेरा लॉस कर दिया, मेरा खून बहुत जा रहा है, मैं कमजोर हो गया हूँ, ऐसे मन का बिलीफ, विश्वास ऐसा हो गया कि नहीं ऐसा ही है, फिर उससे कमजोरी आना चालू हो जाता है। फिर वो खाना कम कर देता है तो उससे और कमजोरी आती है, फिर गाल बैठ जाते हैं और फिर सब वो विशेष साइकिल जो है चक्रव्यूह उसमें वो फंस जाता है। यानी हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी का कोई संबंध नहीं है, तो डॉक्टर साहब मानसिकता पर कुछ फर्क पड़ता है उससे? उससे मानसिकता मतलब ऐसा है कि उसको यदि अपने अपने कल्चर में अपने संस्कार में अपने समाज में ऐसा है कि भाई नहीं करना चाहिए तो फिर उसको डिप्रेशन आता कि मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, हीन भावना से कहीं हीन भावना आती है, आ जाती है। हाँ, और फिर मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा फिर उसको लगता है और फिर वो उसमें डिप्रेशन का शिकार होता है। या फिर उसको एंग्जाइटी आती है ना, बहुत टेंशन, घबराहट, एंग्जाइटी वो आना शुरू हो जाता है। फिर वो कहीं वैद्य के पास में चले जाता जी, कोई पेपर में जाहिरात आती है जी, कि लिंग बड़ा करना है तो हमारे पास में ये मशीन है जी, जी, है ना, उसको लगता है कि अपना लिंग कमजोर हो गया, लिंग में कड़क पना नहीं आ रहा है जी, है ना, तो फिर वो पेपर में जो जाहिरात है वहां चले जाएंगे वो जी, फिर वो उसको बोलेगा कि नहीं तूने बहुत हस्तमैथुन कर दिया, बहुत गलती किया है और ऐसी गलती नहीं करना चाहिए था, फिर उसको और डिप्रेशन आता है जी, जी वो चक्र में फंस जाता है। डॉक्टर साहब मान लीजिए कोई एक युवक है जो हस्तमैथुन का आदि है, आदि यानी वो रोज एक दो दिन में या रोज संभोग ने हस्तमैथुन करता है, लेकिन शादी के बाद वो संभोग में सफल रहेगा कि कहीं तो भी उसके? हाँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। देखो हस्तमैथुन में होता क्या है कि समझो ऐसा लिंग है और हाथ से वो ऐसा कर रहा है, ऐसा घर्षण कर रहा है जी लिंग के ऊपर जी, तो ये प्रक्रिया जो है हस्तमैथुन की, अभी यही प्रक्रिया शादी के बाद में स्त्री के साथ में होती है जी बिल्कुल। हस्तमैथुन में हाथ ऊपर नीचे हो रहा है जी, जब मतलब लैंगिक मतलब उसका समागम जो होता है, क्रिया जो होती है उसमें लिंग अंदर बाहर होता है जी बिल्कुल, तो वो है सरी गई जी, एक्चुअली इसमें हाथ है उसमें लिंग हो रहा है, बाकी उसमें फर्क कुछ भी नहीं है जी। तो हस्तमैथुन करने से शादी के बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं जी, प्रॉब्लम आता है सिर्फ यहाँ दिमाग में जो कमजोर है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये होगा नहीं, ये संभव नहीं है, अब मेरा कैसा होगा, किंतु परंतु किंतु परंतु घबराहट हो रही है और ऐसी घबराहट होने के बाद में मधुचंद्र कि रात को जाता है जी जी, तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगा जी। और वो कुछ दोस्तों का जो सुनेवा कुछ सुनेवा रहता कि भाई तूने बहुत बार किया हुआ ऐसा जी जी, या कहीं पढ़ा रहता किताबों में, येलो बुक्स आती है जी जी, बस स्टैंड के ऊपर मिलती है, रेलवे के ऊपर मिलती है जी, ऐसे उसका मालूम नहीं कौन राइटर है कौन लेखक है जी, और ऐसे काफी सारी किताबें आपको मिल जाएंगी उसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धातु कमाना नहीं चाहिए जी बिल्कुल। और मैंने जो किताब लिखी है उसके ऊपर जी, उसमें मैंने क्लियर कट लिखा है, मैंने किताब जो लिखी है ना आनंदी वैवाहिक जीवन करके किताब है जी जी, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हस्तमैथुन करने से कुछ भी होता नहीं है, कोई गलत काम नहीं है जी, ये बिल्कुल करना चाहिए, नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। यानी कि जो भी अगर ऐसे कुछ समस्याओं से जूझ रहे कहीं तो भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उन लोगों ने भ्रामक विज्ञापनों में न पड़ते हुए जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप इतने सालों से इस विषय को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी सफल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो डॉक्टर साहब यानी शारीरिक का जो हम बोलेंगे इसमें शारीरिक या मानसिक जो भी सेक्स की जो बीमारियां हैं वो शारीरिक कितने प्रमाण में है और मानसिक कितने प्रमाण में होती है? देखो ये ऐसा है कि 40 साल की उम्र के पहले जी यदि कोई बीमारी सेक्स की होती है जी जी, तो ज्यादातर वो मानसिक रूप के मतलब मानसिक कारण से जी, 40 साल के पहले जी कुछ होती है तो ज्यादातर मानसिक कारण है। 40 साल के बाद में यदि कुछ हो रहा है जी और वो पहली बार हो रहा है तो हो सकता है कि उसके लिए शारीरिक कारण हो सकता है जी, है ना, नपुंसकत वो जो आता है जी और लिंग में कड़कपना नहीं आता उसके लिए फिर शारीरिक कारण हो सकता है जी, और वो कारण काफी सारे हो सकते हैं कि भाई पीठ में कुछ तभी प्रॉब्लम आना जी जी, पीठ की नस दब जाना जी जी, या अपनी जो मतलब जिसमें खून बह रहा है ब्लड वेसल्स जी जी, तो ब्लड वेसल में वो छोटी हो जाना जी जी, ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से खून जी जो है वो लिंग में पहुंचता नहीं है जी बिल्कुल, और लिंग में खून पहुंचा नहीं तो फिर वो लिंग में कड़कपना आता नहीं जी बिल्कुल।
है ना, तो 40 साल के पहले हो गया तो मोटा मोटा हिसाब जी जी कि भाई वो मानसिक है, 40 साल के बाद में होता है तो वो शारीरिक है जी। लेकिन उपचार सभी का होता है? उपचार तो सभी का होगा, सवाल ही नहीं आता जी बिल्कुल। अभी जैसा मैंने पिछले बार भी बताया था कि अभी जो दवाइयाँ निकली है, सिल्डेना फिल है, टाडाला फिल है, जी जी फिर अभी इंजेक्शन है पेपेवेरिन, जी जी तो वो इंजेक्शन देके वो हो सकता है जी अभी। जैसा मेरे पास में अभी एक कपल आया था, पति पत्नी आए थे, जी अभी उन्होंने सब ट्राई करके रख दिया, जी मतलब रख दिया, जैसा उन्होंने सब दवाई खा लिया, जी आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, जी एलोपैथी हो गया, सिल्डेना फिल, टाडाला फिल, सब तरह की दवाई हो गया जी उनको। मैंने बोला भी आपको काउंसिलिंग की जरूरत है, जी इनको मैं काउंसिलिंग करता हूँ, जी काउंसिलिंग। और उसके साथ साथ मैंने उनको जो पेपेवरिन का इंजेक्शन है, जी वो जी पेपेवरिन का इंजेक्शन लिंग में देना पड़ता है, जी उसको एक टेंशन था दिमाग में कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। जी जी तो उसको जैसा डायबिटीज के लोग जी जी जैसा खुद इंसुलिन लेते हैं, जी जी वैसे ये इंजेक्शन है कि जो लिंग में लेना पड़ता है खुद ने खुद से। जी जी उसको मैंने इंजेक्शन लेने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया, वो जी सिखाया, वो घर पे गया, जी उसने वो किया, तो जी उससे क्या होता है, वो इंजेक्शन से कड़कपना आ जाता है, जी बिल्कुल उसका सेक्स हो गया। जी सेक्स होने के बाद में उसको लगा कि नहीं, अभी अपन कर सकते हैं, मैं भी जी कर सकता हूँ, जी और वो कर सकता हूँ ऐसा उसको लगा, जी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी जी उसने, मैंने बोला और एक बार ले ले तू इंजेक्शन, ताकि जी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसने जी और एक बार इंजेक्शन ले लिया, जी जी और बाद में उसका एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में फिर जी कहीं डॉक्टर साहब आगे ऐसा तो हो। नहीं होता कि फिर वो अगर इंजेक्शन एक बार अगर शुरू हुआ तो फिर वो इंसुलिन के समान नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही प्रॉब्लम रहता है, जी जी एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि अपन कर सकते हैं, जी बिल्कुल फिर बाद में उसका एक बार लाइन पे लग गया हो जाता है। फॉर्चुनेटली इसमें क्या है कि पत्नी का जो हिस्सा है वो बहुत महत्व का है, जी बिल्कुल पत्नी ने शांति रखना बहुत जरूरी है, जी जी इसलिए हम उसको काउंसिलिंग करते कि भाई पत्नी की शांतता, जी उसने यदि उसके पीछे टेंशन लगाया जी कि देखो ये आपको नहीं होता है तो फिर मैं जा रही मायके, जी जी या फिर ये संबंध अपने खराब हो जाएंगे, खराब या फिर मेरे को डिवोर्स चाहिए, जी जी तो फिर इसमें ऐसा टेंशन दिया जी जी तो पहले ये टेंशन में रहता जी है, पत्नी ने और कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया इधर जी कि भाई नहीं तो मैं चली जाऊंगी, जी तो फिर और टेंशन आता है, जी उसमें होता ही नहीं। जी तो पत्नी का यानी उसमें हिस्सा बहुत इसमें बहुत जरूरी है, अहम बहुत रोल होता है, चाहे बहुत फिर जरूरी है। मानसिक हो या शारीरिक हो, पत्नी का अहम जो रोल होता है इसमें वो काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब आप सेक्स के अलावा व्यसन का भी आप बहुत प्रचार करते हैं, व्यसन मुक्ति का भी काम करते हैं, शराब हो या फिर तंबाकू हो, या आपके पास किस प्रकार के रोगी आते हैं सर? ज़्यादातर हमारे पास में जो आते हैं वो शराब के आते हैं, जी शराब के आदि आते हैं लोग, जी उसके साथ साथ सिगरेट, जी बीड़ी, तंबाकू, जी और फिर गांजा, जी और बहुत कम प्रमाण में ब्राउन शुगर। जी तो ज़्यादातर तो है शराब के लोग आते हैं, जी और शराब मतलब उसमें सब तरह की शराब, जी और वो लोगों का ऐसा है कि वो एक आदत आदि बन चुके हैं वो। जी बिल्कुल तो उसमें दो प्रकार है कि एक खुद होके आता है कि नहीं मेरा इलाज करना है, जी वो खुद होके आ गया तो बहुत ही आसान है उसका इलाज करना, जी और बिल्कुल वो उसमें 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। जी बिल्कुल काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को आदत है नहीं, मेरे को इलाज करना ही नहीं है, जी तो उनके फिर घर वाले आते हैं, घर से जी कोई लोग आते हैं, जी बोलते भाई इनके लिए कुछ ना कुछ इलाज करो, जी दवाई दो, जी उनको बिल्कुल पकड़ के लाएंगे, जी वो एडमिट करवाएंगे, ज़बरदस्ती उनका इलाज जी करवाएंगे, और फिर एक बार उसका नशा उतर गया, जी 2-3 दिन तक उसका नशा उतरने में टाइम लग जाता है, जी फिर वो खुद तैयार होना चालू हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है मैं करूँगा, जी उसको हम दवा भी देते हैं बाद में, जी ऐसी दवाई है जी मेडिसिन कि जी वो गोली खाने से उसके शरीर में वो एक बार गोली गई जी और बाद में उसने शराब पिया जी तो उसकी जोरदार रिएक्शन आती है, और वो जी रिएक्शन आने के बाद में उसको उल्टियाँ आना, जी पसीना आना, जी हाथ थरथराना, जी ऐसी काफ़ी सारी रिएक्शन आती है, जी तो उसको ये मालूम पड़ता है कि नहीं भाई अपन गोली खा रहे तो शराब नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए तो हम जी अक्सर बोलते हैं पत्नी को कि जी भाई अभी इनको तुम बाहर जाने के पहले गोली दे दो बोलिए दादा रोज, जी और आने के बाद में गोली दे दो ताकि जी ये लेंगा नहीं शराब, जी उससे बिल्कुल काफ़ी अच्छे रिजल्ट है जी। और लोग 100% और शराब डॉक्टर छोड़ देते साहब हैं। कई समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन आते हैं कि शर्तियाँ शराब छुड़ाई छुड़ाइए ना सांगता, तो ये सच होते हैं कि या कहीं तो भी विज्ञापन नहीं के क्या ऐसा शब्दों का कुछ, जगलरी कुछ बस होती है? शब्दों की जगलरी है और ये क्वैक्स जी है ना, ऐसी जी गारंटी रहती थी तो फिर जी तो शराब की सब दुकानें बंद होना चाहिए जी बिल्कुल है ना, शराब की दुकान तो बहुत चल रही है, तो जी जी ऐसी गारंटी नहीं रहती कि जी जी भाई शराब छूटेंगी ही कोई गोली से, जी है ना, मगर अपन अपने तरफ से कोशिश करते हैं जी और उसमें फिर यश मिलता है। जी तो डॉक्टर साहब आपके जो इतने साल का जो अनुभव है तो उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने इलाज लेने के बाद टोटली शराब बंद कर दिया ऐसे? हमारे पास में करीब करीब 80% लोग ऐसे हैं, जी 80% लोग जी कि वो शराब दवाई के बाद में बराबर लेने के बाद में छोड़ देते हैं, जी जी 20% लोग हैं वो भी छोड़ते हैं, जी जी मगर वो जैसा अंदर बार जी जी होते रहते, कभी छोड़ देते फिर 4-6 महीने छोड़ देंगे, जी है जी ना, फिर पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे, ऐसे 20% लोगों
चालू बन चालू बन रहे, बाकी 80% लोग हमारे यहाँ छोड़ देते शराब जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आप हिप्नोटिज्म भी उसके भी आप विशेषज्ञ हैं, तो आपने पहले वो हिप्नोटिज्म स्वयं के ऊपर करने के लिए आपने सीखा, उसकी वो जो क्लासेस वगैरह भी लेते, तो वो अभी शुरू है या क्या? हाँ चलो है ना वो जी। हिप्नोटिज्म में क्या है कि देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जी जी वो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जी जी और कॉन्शियस माइंड है 10%। जी हमको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के वजह से है। जी जो भी प्रॉब्लम है जी सबकॉन्शियस माइंड में सब वो बातें जाके बैठी हुई है। जी अब सब एक फॉर एग्जांपल एग्जांपल मुझे देना है तो कि सबकॉन्शियस माइंड समझो ये घोड़ा है जी और कॉन्शियस माइंड जो है वो घोड़सवार है जी है ना, हॉर्स राइडर। जी बिल्कुल। अब वो सबकॉन्शियस माइंड को यदि लाइन में लाने का है जी और उसको बराबर जो उसको बुरी आदतें हैं जी जी या वो बुरी तरह से वो बर्ताव कर रहा है तो उसको लाइन में लाने के लिए जी कॉन्शियस माइंड मतलब घोड़सवार ने घोड़े जी को कंट्रोल करना है, जी तो हम घोड़सवार जो है मतलब कॉन्शियस माइंड है जी जी उसको हम सिखाते हैं कि घोड़े को कैसा कंट्रोल में लाना। जी जी तो इन शॉर्ट ऐसा है कि हिप्नोटिज्म में हम उनको सिखाते हैं कि कॉन्शियस माइंड को जी कि भाई सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देके जी सूचना देके सजेशन देके सजेशन देना जी जी और सबकॉन्शियस माइंड को लाइन में लाना कंट्रोल करना जी ताकि उसमें जो भी बीमारियां हैं जी वो ठीक हो जाएगी। जी जैसा चिंता है जी भय है फिर लोगों को बाहर जाने का बहुत डर लगता जी है, जी फोबिया एक फोबिया से फोबिया इतनी होता बड़ी है। बीमारी है फोबिया जी जी कि लोगों को घर से बाहर जाने का डर है, जी घर से लोग बाहर जा सकते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बाहर जाऊंगा और अटैक आ जाएगा हार्ट अटैक आ जी जाएगा जी मैं मर ऐसे जाऊंगा। ऐसे कई लोग ऐसे कई प्रकार के फोबिया है डॉक्टर साहब, बहुत जैसा कि किसी को ऊंचाई डर से लगता है, डर है, किसी को पानी देखकर डर पानी देख लगता के डर है, लगता है कि इसको कोई नाव अकेला में रहने बैठने से लगता है, कोई अकेला लगता है, किसी को लगता है कि जो बिजली कड़क रही है वो मेरे आँख पे आ आँख पे आ जाएगी। जाएंगे। नहीं इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो है हार्ट अटैक का डर, जी जी उसमें हमको घबराना इतनी घबराहट आती है जी जी छाती में धड़कन हो जाती है जी जी पसीना तर हो जाता है जी और उनको लगता है कि अभी मुझे कुछ तो भी हो जाएगा, जी इसलिए वो बाहर गए होंगे समझो तो घर भाग आ जाएंगे या फिर जी बाहर ही जाएंगे नहीं। जी अच्छा अकेला रहना उसका भी डर लगता है कि मैं जी अकेला रहूं और मर जाऊंगा तो कौन आएगा, जी तो जी अकेले रहते नहीं हो। जी जी दूसरे इसके साथ साथ मतलब जैसा हार्ट अटैक है बाहर जाना है जी पानी का डर है ऊंचाई का डर है सफर करने का डर जी है कोई एनिमल्स जो है जी जी उनका डर है, जी जी तो ऐसे काफी सारे डर है। जी इसके साथ साथ दूसरा जो है वो है कि बार 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 विचार आना, जी इतने विचार वही 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 जी विचार आ जाएंगे उसको बार बार विचार आएंगे हाँ। और इसमें साफ सफाई के विचार ज्यादातर आएंगे, जी हाथ धोने के विचार आएंगे बार बार हाथ जी धोना, फिर कोई लोग हाथ धोना के विचार आते फिर अपने हाथ गंदे हो गए तो हाथ धोने चले जी जाएंगे, कोई लोग अपना शरीर गंदा है करके स्नान करने चले जाएंगे जी तो दो दो तीन तीन घंटा स्नान करेंगे 50 बार हाथ धोएंगे जी उनके हाथ सफेद हो जाते हैं। जी तो ये मतलब गंदगी है जी और अपन गंदे हैं, जी ये अपन किसको हाथ लगाएंगे लगाएंगे तो गंदा हो जाएगा, जी जी ऐसी तो उनकी ऐसे भावना हो विचार आ जाते हैं भावना जी हो जी जाती है। जी और इसमें दो प्रकार है, एक तो एक प्रकार बार बार डर जो है डरावने ख्याल आने का जी कि उनको मालूम है कि होऊंगा नहीं तभी भी बार बार डर आता है। जी जैसा एक लेडी मेरे पास में आई थी जी उसको बार बार ही विचार आ जाएगा आ रहा था जी कि वो उसके बच्चे का गला घोट देंगी, जी ऐसा बार बार विचार जी आ, भाई उसको मालूम है कि मैं गला घोटने वाली हूं नहीं जी जी और उसको इतना डर जी जी लगता है कि जी जी मैं गला घोटू जी तो क्या गला होगा जी ऐसा। तो एक वो है और तीसरा जो जो कॉमनली दिखाई देता है वो है स्टटरिंग, जी हकलाना बोलने में जी अटक जाना, जी वो काफी इसमें वो सम्मोहन के माध्यम से मैं जो बोल रहा हूँ ये जी फोबिया जी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव जी डिसऑर्डर या स्टटरिंग या जी स्टैमरिंग जी ये भी अच्छा होता है सम्मोहन से। चौथा जो है कॉमन जो दिखाई देता है वो है डिप्रेशन जी निराशा, जी निराशा के विचार आना और निराशा और आत्महत्या के विचार आना, जी जी तो वो तो ये जो तीन चार पांच जो बातें जो है जी वो सम्मोहन के माध्यम से जी बहुत अच्छी हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आप सम्मोहन स्वयं पर ही आप खुद को सम्मोहन करो ऐसा आपने शुरू किया है, काफी सालों से आप कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें कोई एज लिमिट होती है, कुछ एजुकेशन का वो होता है इसमें, ऐसा कि कुछ भी किसको नहीं अगर है, सीखना चाहते हैं ऐसे हाँ हमारे जो दर्शक है तो तो कोई भी सम्मोहन सीख सकता है जी और वो सम्मोहन हमारे यहाँ मतलब एक 10 हफ्ते का उसका ट्रेनिंग जी लेते हैं, ट्रेनिंग लेते टेन जी वीक्स जी जी है ना, 10 वीक्स से ट्रेनिंग लेते हैं उसको जी सिखाते हैं, जी बाद में जी उसको प्रैक्टिस करते करते वो खुद अपना खुद का चालू कर सकता है क्लिनिक जी या जी काउंसलिंग जी जी है ना, उसको मेरे पास में आने की जरूरत नहीं, फिर बाद में जी वो जी पेशेंट भी ठीक और कर सकता है दूसरों को भी सीख सीख कर सकता सीख है। और फिर दूसरे और एक लोग है कि जो खुद के लिए आते हैं जी कि भाई हमको खुद को सीखना है, खुद को जो प्रॉब्लम है हमको प्रॉब्लम तो हमारा अब ठीक कर हमारे दो, ठीक जी बस बिल्कुल उसके लिए भी लोग आते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने डिप्रेशन की बात की, दुनिया की एक नंबर की ऐसी परेशानी है सभी की डिप्रेशन, अभी काफ़ी दिनों से वो एक चर्चा चल रही है ब्लू व्हेल गेम, हाँ जिसके अंदर वो जो भी है जो गेम जिसने बनाया है रशिया के जो उन्होंने उसने
कि ऐसे लोग जो खेलते हैं जो मानसिक रूप से बीमार है या कहीं तो भी तनावग्रस्त है, जिनमें नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप एक मानसोपचार विशेषज्ञ हैं, तो आप इस गेम को किस नज़र से देखते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो अगर देख रहे हैं तो वो क्या उनको आप कहना चाहेंगे? ये होता क्या है कि बच्चे उसमें काफ़ी उसके मतलब बलि पड़ रहे हैं, जी है ना, जी बिल्कुल, उसका उसका शिकार हो रहे हैं जी जी ये ब्लू वेल गेम का। जी जी क्या होता है कि घर में यदि इनसिक्योरिटी है जी, है ना, अशांत वातावरण है जी, भय है जी, या फिर घर में सपोर्ट नहीं है, जी जी माँ बाप घर से सपोर्ट नहीं कर रहे, जी दोनों भी घर घर के बाहर है, जी जी है ना, घर में बाकी कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, जी तो बच्चे ज्यादातर फिर पढ़ाई कितनी रहती है, बहुत कम पढ़ाई रहती है जी बच्चों जी को, फिर ज्यादातर फिर वो मोबाइल के चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि टाइम पास कैसे करना, जी टीवी टीवी देखो, मोबाइल खेलो, मोबाइल में इंटरनेट है, यूट्यूब है, जी बाकी क्यों अलग 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 ऐप्स है, जी वो खेलते बैठो, इसमें फिर एक लोगों को चस्का उसका लग जाता है, जी जी कैसा कि भाई कुछ चैलेंजिंग नहीं है तो उसको लगता है कि भाई ये चैलेंजिंग है, चलो मैं करके देखता हूँ, जी 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 उसको बिल्कुल खुदकुशी करने की इच्छा नहीं रहती, जी भाई चैलेंजिंग है करके देखेंगे और अपन उसमें बलि नहीं पड़ेंगे, जी जी और और वो वो कब, हाँ चैलेंजिंग है जी करके उसको ले लेता जी है ना। और ज्यादातर लोग जो एडिक्ट जी है ना, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, जी जी या ये ऐप्स के एडिक्ट है, या जी अलग अलग गेम्स के एडिक्ट जी है, जी वो ही उसमें खिंचे जाते हैं। जी बिल्कुल एक बार वो एडिक्ट हो गया, मैं पहले बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में एक बार वो जाके बैठ गया जी, कि मेरे को करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड ही उसको बार 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 करने लगा घुसाता उसको कि घुसा। करो, हाँ, भले ही कॉन्शियस माइंड को लगता है कि मैंने नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। मगर सबकॉन्शियस माइंड उसको अंदर से इतना फोर्स करेगा कि मैंने वो करना चाहिए। जी जी तो उसमें 1 से 50 एटम जी है ना, अलग अलग तरह के एटम दिए हुए, जी काफी सारा वो सर्कुलेट भी हो चुका है जी जी कि भाई सवेरे 4 बजे उठो जी जी और रास्ते पे चिल्लाते हुए जाओ, जी जी फिर अपने आप को मार लो, मार जी जी है ना, ऐसे अलग अलग काफी सारे उसमें 50 अलग अलग एटम, और जी 50 वाला लास्ट जो एटम है जी जी वो है कि बिल्डिंग के मतलब टॉप, वहां से हाँ, टॉप कूद, फ्लोर पे जाओ और हाँ वहां से कूद करके आत्महत्या करो, जी, ऐसा है। तो इसमें यही है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मेरे ख्याल से डायरेक्टिव भी आया हुआ है जी जी कि ये जो ऐप है इसको बैन करो और इंटरनेट जो है उसके माध्यम से लोगों को मिलना नहीं चाहिए करके, जी बिल्कुल आज ही कुछ तो भी आया था मैंने पढ़ा हो। जी। तो ये जो लोग जो निराशा के शिकार होते हैं वो लोग वो लोग ज्यादा इसमें जाते ज्यादा हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और क्या होता है इसमें कि बच्चों की निराशा है मालूम ही नहीं पड़ता, जी लोगों को लगता है कि बच्चे कैसे क्या निराश हो सकते हैं, जी जी बच्चों को ऐसा डिप्रेशन आ जी सकता है, मगर बच्चों को भी डिप्रेशन है। जी मैंने अभी अभी 3 बच्चे भर्ती है मेरे यहाँ जी राइट नाउ कि जिनको डिप्रेशन है और हिस्टीरिया की बीमारी, उनको झटके आ रहे, जी और झटके आ रहे करके उनको फिट है, जी एपिलेप्सी है करके उनको एपिलेप्सी की दवाई बाहर के डॉक्टर दे रहे जी थे, अभी जी वो फिट है जी और डिप्रेशन की वजह से उसको झटके आ रहे हैं, जी ये एक बार मैंने देख लिया तभी वो अच्छे हुए। जी भाई, हमारे जो दर्शक है उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं कहीं तो भी डिप्रेशन में है, कोई भी चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, एकांत फ्री हो रहे हैं, या ऐसे बड़े लोग भी हैं, तो वे ऐसे किसी भी भोंदू बाबा या उनको ना बताते हुए एक मानसोपचार विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे सलाह जरूर ले, ऐसा मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये बहुत गहन विषय है, आप एक मानसोपचार है, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास एक से एक बराबर, उदाहरण ऐसे आए होंगे, हम भी देखते हैं दिनचर्या में भी हमें पता चलता है कि ये कुछ तो भी डिप्रेशन में दिख रहा, कुछ अलग हरकतें करेंगे, कुछ बार बार एक ही बात दोहराएंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे ऑफिस में भी ऐसे लोग आते हैं, एक बार बताने के बाद 3 बार वापस आके वापस आके बताएंगे बताएंगे। कि वो ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो ये लोग भी सब वो कहीं ना कहीं तो भी एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो इन्होंने एक अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारा ये विषय तो सेक्स का था, लेकिन और कई विषय इसके अंदर आए, हम फिर जो आपका अगला जो कार्यक्रम होगा फिर हम एक और कोई नए विषय भी लेंगे, आशा हमारे दर्शकों को हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, हम फिर मिलेंगे डॉक्टर दीपक केलकस एक्सक्लूसिव में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।